रानी बोली साड़ी सरकार है सुनते नहीं, बेशरम इन्ने हुए वे आ। देखो मैं तो इन्हों ये कहूँगी भी हजे भी इन्हों समझ वे, मौका हैगा समझ वे, नहीं तो इन्हों अगे जाके देखो कि इन्हों हार का सामना करना पैना, इन्हों भजद ला नहीं लभना इन्हों। साढ़े अन्ने बंदे मर गए उत्थे, इन्हों का जिम्मेवार कौन आ? पर इन्हों पर ना शाह पर इन्हों पर परचा दर्ज होना चाहिए, चाहिए भी देखो इन्ना साडा नुकसान हो गया जे होर किन्ना करना इन्होंने। दुनिया हुण सारे पागल है, यही एक सियाणा इज्जत पिछे यह दुनिया नूं मरवाउण लग्गिया वा। जिहड़े तूं कहिंदा मेरे भाई हो मेरे भैण हो, यह उही भाई भैण आ जिहड़े सड़कां पर रोलते ने। नींद तां इहदी भी हराम होई भी होणी आ। देखो यह राजा परजा दा जां इहदी परजा इन्नी दुखी हो रही है, मर रहे आ बंदे, इहनूं शर्म नहीं आउंदी? कारां नूं माड़ी मोटी समझ करनी चाहीदी, इहनां नूं सोचणा चाहीदा जी। 133 दिन हो गए जी इत्थे सानूं लगातार आउंदे ने वी, साडी रोटी आ जिहड़ी साडे कोलों खोही जांदी है ते उहदी खातर असीं इह सारी मुश्किल आ जिहड़ी ओह कटणी कटणी आ। जिहड़े असीं वोटां पा के ओह उच्चे थां बिठाए ने कुर्सियां ते, उही अज्ज सानूं तंग करन लगे होए ने। सरकार तो कन्ना च तेल पा के बैठी हुई है, वो तो कोई सुनने को तैयार नहीं, कारपोरेटर की गल सुनते ने। पहला होर करता मतलब इन्होंने तो बर्बाद ही करता जी देश बीजेपी वाले ने, तो सो इस करके असी हुण आपदे संघर्ष लिए बैठे हैं ताकि साडे बच्चे घट्टो घट जिहड़ियां साडियां जमीनां ने वह तो साडे बच्चे बैठ के खा लैणगे। मौसम बहुत खुल गया आ, पर मौसम खुल गया प्रशासन का जो दिल आ तंग हो गया। दादा शराब के ठेके खुले हुए आ, उत्थे करोना नहीं जाता है, साढ़े बच्चे पढ़ लिख जाएंगे वो अपना अधिकार समझ जाएंगे, जे वो अपना अधिकार समझे तो असं नौकरियां मंगांगे, गवर्नमेंट को नौकरियां देनी पैणगियां। यह बड़ा सौखा जिहा काम है कि इन्हों घर ही रब दियो। चाहना भी जे ये अतवादी आ तो अतवादी बचाते होंगे मुल्क नूं, वह तो उजाड़ते होंगे, ये तो कदे लंगर लेके जाते। आज तक दिल्ली के एक बैंक डकैती नहीं हुई, कोई लूटमार नहीं हुई, किसी धी भैन की कोई इज्जत आबरू नहीं देखी। जड़ ना पुट्टो, दरख्तों नूं छांगदे रहो वह फिर फुट पैने, तुसीं तां जड़ नूं हत्थ पा लिया। नीवा होने वाली गल आ, कोई गल नहीं, नीवा होना अपने मुल्क लिए होना, उन्हां लोकां लिए होना जिन्होंने 303 की बहुमत दित्ती आ। ख्याल बुरे दिन भी गए आए, अच्छे तो किस पासे देखने से, जिहड़े पहला दिन हैगे सी साडे नाल जुमलेबाजी बड़ी की गई कि धारा 370 हटाती, कश्मीरियों को पता नहीं लग्या। उही बहाल रखो, असी उहदे विच खुश हाँ, पूरे संतुष्ट हाँ। जिस देश का राजा अपनी परजा नूं देख के खुश नहीं हुंदा, वो देश का की हाल होगा? सरकारां टस तों मस नहीं हुंदियां, असी भी अड़े खड़े हाँ। करोना है नहीं, करोना सरकार ने बनाया होया। किसानां नूं अंदोलन जिहड़ा किसानां दा अंदोलन चल रहा उस नूं खदेड़न वास्ते इन्हां ने यह सब कुछ कर रहे हैं। असी जिन्नी देर जा मरांगे जां जितांगे। सरकार तो जिहड़ी बीजेपी सरकार है बिल्कुल निकम्मी सरकार है। किसान बहुत समझदार, उन्होंने मझां भी रख लिया उत्थे। देखो हुण क्योंकि सरकार हले समझ नहीं आई इन्हों, हूँ वोटों के बाद हौली हौली पता लग जाना आपे कि साडा जो रवैया है वो गलत सी। इन्होंने लक तोड़वी महंगाई करती, लॉकडाउन नाल ये मसला हल नहीं होने। गुंडिया की सरकार है ना, हजे हौली हौली लौट आऊगी, काबू हौली हौली आऊगी ना, एकदम नहीं आती। ऊ भी कानून थोप के भी इन्हों मार देव,
लॉकडाउन भी लॉकडाउन करके भी मार देवा, महंगाई का अंत नहीं, इन्ना इन्हें महंगाई करके छड़ती। मुंडिया की सरकार है, बदमाशा की सरकार है, बनाती असी ता ये आना पैदा है। जनता नू अपनी नू बना के रखता, जनता की गल सुनता तो सानू सड़कां पर आना नहीं तो पैना। सत श्री अकाल, विजन पंजाब टीवी देख रहे देश विदेश बैठे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हाँ तुहाडे नाल खुशी सर। जिथे दिल्ली दियां बरूहां ते किसानां नूं डटे हुए एक लंबा समा हो गया, उत्थे चंडीगढ़ मोहाली दियां सड़कां ते भी इत्थों दे आम लोकां नूं डटे हुए एक लंबा समा हो गया। लोग डेली सड़कां ते आंदे ने, हौली हौली इन्हां लोकां दे नाल पिंडां दे लोकां ने भी जुड़ना शुरू किया। पिंडां दे विचों ट्रालियां भर भर के मोहाली चंडीगढ़ पंचकूला सड़कां ते आउण लगियां ते इन्हां लोकां ने इत्थे खड़ के लोकां नूं अवेयर करना स्टार्ट किया, फार्मर प्रोटेस्ट नूं सपोर्ट करना स्टार्ट किया, उन्होंने लोगों के नाल खड़ना स्टार्ट किया जो लोग दिल्ली दे विच अपने हक्कां दे लई लगे हुए ने। हमेशा असीं इत्थे पहुँचते हाँ, गलबात करते हैं इन्हां दे नाल, हमेशा ये लोग जिहड़े ने डेली सड़कों के उपर आते हैं। साड़ी भी हमेशा यही कोशिश होंदी है कि आइए इन्हां दे नाल गल करिए, इन्हां दे कोलों जानिए कि आखिर हुण की कुछ जिहड़ा अगे नवां नवां सरकारां दे वल्लों देखण नूं मिल रहा, नवें नवें कड़ियां रणनीतियां इन्हां दे वल्लों बनाईआं जा रहीआं ने, किस तरीके दे नाल इह सारे अंदोलन नूं देख रहे हैं। तो इस टाइम तुसीं देख सकते हो कि शाम नूं जिहड़े लोग ने इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस टाइम पर जिहड़े लोग आ इत्थे कुछ मैनूं दिखाई दे रहे आ जिन्हां दा इह कहिणा कि हौली हौली जिहड़े आ होर भी लोग आ रहे हैं, तो होर भी जिहड़ा इकट्ठ आ हमेशा शाम नूं सानूं ज़्यादा देखण नूं मिलदा, बट शुरुआत जिहड़ी आ 6 बजे हो जाती है। इन्हां ने एक टाइम जिहड़ा डेली रख्या हुंदा 6 to 8 बजे का, क्योंकि वॉकिंग हुंदे ने ज़्यादातर लोग पिंडां दे विच काम करन वाले अपने घरां च काम करते हैं, बट जदों शाम नूं ये फ्री हुंदे ने ते अपने उस टाइम नूं जिहड़ा आ ये बाहर आ के इत्थे खड़ के जिहड़ा आ सपोर्ट करते हैं किसानी अंदोलन नूं, इत्थे आ के डटदे ने, लोकां नूं अवेयर करते हैं। तो यही चीज़ कहिंदे ने कि जल्दी तो जल्दी तीनों काले कानून ने और रद्द हो जाने चाहिए ने। सो गलबात करदे आ, इत्थों शुरुआत करदे आ, सानूं कुछ महिलावां नज़र आ रही ने। हाँ जी, की नाम है? मेरा नाम मनजीत कौर है जी। मनजीत कौर जी, देखा जाए कि लंबा समा हो गया आ उत्थे किसान डटे ने, इत्थे तुसीं सारे डटे हुए हो, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੰਦੋਲਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੇ, ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝ ਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਆ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਆ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਗੱਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ? ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਟ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਜੇ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਅਜੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਊਗਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਆ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਰੋਲਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਹੀ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਰੋਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਲੁਕਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿਆ ਹੈ? ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ? ਦੱਸੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ? ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਮੰਨ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਐਨ ਮੂੰਹ ਪਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਅਕੜਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਅਕੜਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਝੁਕਣਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਓ ਹੋਣੀ ਆ, ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੋਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਪਰਜਾ ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਫਿਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰੋਨਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦਿਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਰੁਲਦੇ ਆ, ਨਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਪਏ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ?
इन्हां नूं हुण सरकारां नूं माड़ी मोटी समझ करनी चाहीदी है, इन्हां नूं सोचना चाहीदा जिन्नी जल्दी हो सके साडे कानून वापस करके सारे किसानां नूं अपने अपने घरां नूं भेजो। देखो बेचारे किसी ने चाह तो चढ़िया भी नहीं, अपना घर छड्डने नूं कीदा जी करदा, दसो तुसीं जी करदा किसे दा? ये बैठ के देखे तो इहदा लुकदा फिरदा गल भी नहीं करदा, गल तो करे साडे नाल बैठ के। करोना की गल की, लगता है करोना है देश? देखो इन्हों चाल है, कोई करोना करूना है नहीं, माड़ी मोटी हैगी भी है, चल इनफेक्शन एक दूजे तो होंगी आ। जे इन्हों इन्ना खतरा है तो उन्होंने मसले हल करके उन्होंने भेज देवे घर। जे इन्हों लगता है करोना उत्थे नहीं, करोना बुढ़िया नहीं करोना जिंबड़ूंगा, इन्हों ज़्यादा करोना जिंबड़ा। ये दुहाइया पाँदे करोना की, फिर इन्हों माड़ी मोटी समझ भी करनी चाहिए है। जे करोना उन्होंने अपने घर भेज दो, उन्होंने मसले हल कर दो भी लो भाई जा, ये केड़ी एड्डी बड़ी गल है? कोई बड़ी गल नहीं हैगी, जिकना इन्हें रातों रात अपने कानून इन्हें लागू करते उदर वापस ले लवे, यही जी कड़ी गल है? हो नहीं सकता, हो सकता उत्थे ही हुण जिथे लोग खड़ रहे डेली शाम को आके हुण कभी नाइट करफ्यू लग रहा है, कभी लॉकडाउन दी खबर आ रही ने, इस चीज़ का कोई असर पेगा जो तुम खड़ रहे हो आके डेली? देखो कोई असर साढ़े ते पैने नहीं आला नहीं है, ना असी मनते इन चीज़ों, जब तक साड़िया मंगा पूरिया नहीं होंगे कानून ये वापस नहीं लिंदा उदों तक साडा यह प्रोटेस्ट इदा ही जारी रहूगा। ना दिल्ली वाले हिलूंगे ना असी हिलूंगे, असी शांतमई सारा कुछ कर रहे हैं, कोई रौला नहीं असी पा रहे, कोई किसी कह नहीं रहे, किसी असी नुकसान नहीं कर रहे, किसी गाल नहीं कड़ रहे। ये सरकार को माड़ी मोटी शर्म होनी चाहिए है। ये भाईओ बहनों जो उ भाई बहन आ जिन्होंने तैनू वोटा पाइया उ सड़क पर रोल रहे, तैनू माड़ी मोटी शर्म होनी चाहिए है। सो की कहना चाहोगे सरकार कि किस तरीके दे नाल जिहड़ा आ कि ये अंदोलन जल्दी तो जल्दी जिहड़ा आ खत्म होवे, अंदोलन जिहड़ा जिस तरीके दे नाल अपने हक मंग रहे ने वह हक जिहड़े जे पूरे हो जाण, सरकारां नूं की कहो? देखो सरकारां नूं असीं कहिंदे साडे नाल बैठ के गल करे, दसे सानूं भी क्या चक्कर क्या नहीं, क्यों नहीं वापस ले लिया। जब असीं कहदे आ भी असीं अड़े वे असीं वापस करवाउणा, इह कदी कहिंदे सौदा कर लो, कदी कहिंदे ऐं कर लो, सानूं नहीं मंजूर हैगा। ना असीं सौदा करने आ, ना असीं कुछ करनी आ, जिहे जे असीं पहलां हैगे सी असी ओहे जे ही चंगे आ, सानू यह चीज़ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये वापस लवे सातो। हाँ जी की नाम है? हाँ जी हरबंश कौर जी। हरबंश कौर जी किन्ने टाइम तो आ रहे हो, क्योंकि डेली बहुत सारे लोग बहुत बहुत टाइम? हाँ जी 133 दिन हो गए जी इतने, सानू लगातार आते हैं डेली आ रहे? हाँ जी डेली आ रहे हैं। उ दिल्ली ये चीज़ा कही जा कि बजुर्गों को वापस भेज दो, इतने सानू बहुत बजुर्ग जेडे डेली दिखाई देते हैं, तुम खुद आए हो? हाँ जी खुद आने असं, मेरे नाल दी भैणां होर भी आउंदियां ने, हुण भी आउणगियां। परिवार चो आंदे सारे? हाँ जी परिवार चो। कभी किसी ने मना नहीं किया बजुर्ग जाके इन्ना टाइम खड़े रहोगे थक जाओगे? सारे ने सोची है भी साड़ी रोटी है जी साढ़े को खोही जाती है, तो वो खातर असी ये सारी मुश्किल है जी कटनी कटनी है, तो ये हुण उन्होंने शर्म चाहिए है जेडे असी वोटा पा के वो उच्चे थ बिठाए ने कुर्सियां ते उही अज्ज सानू तंग करन लगे हुए ने, यह तो उन्होंने शर्म मनण की लोड़ है जी। असी तो डटे हुए हैं, करोना लग जाए चिंबड़ जाए जिहड़ा भूत प्रेत सानू होर चिंबड़ता चिंबड़ता रहे, जे जे लिखी है तो साड़ी उमें लिखी है मर जाना, पर साडे बच्चों का भविख तो अगे नू रहू ना। तुहानू लगता है करोना है? नहीं जी, ये तो मौसम बदली होने नाल जुगड़ियां तो ही ये सब बीमारियां होंदियां सी, दवाई बूटी ले ली हो जाते ठीक। हुण खबर आ रही लॉकडाउन दियां, दोबारा लॉकडाउन लगेगा? हाँ जी ये धरने तोड़न की खतर है सब कुछ जी, धरने तोड़न की खतर है, दुनिया डरी हुई अंदरों घट निकले, दुनिया डराकड़ भी बथेरी है, पर जिहड़े समझते हैं इस गल नूं असीं डरते भी नहीं जी। सो की लगता है किन्ना टाइम होर लंबा संघर्ष चलेगा? ये तो जी उन्होंने बस की गल मका देन, अज मका देन, असी तो चाहते हाँ भी सानू अज सा फैसला कर लेने गल का, साड़ी जिहड़ी मंग आ पूरी कर देन, अज तो अज हट के घर च बह जाएंगे। कणकां पक गई, फसलां पक्कियां हो, किसान बेचारे उत्थे बैठे ने, इत्थे चीज़ों बड़ा मुश्किल नाल मैनेज किया जा रहा है, बट भुखे प्यासे वो चीज़ें टाइम कढ़िया जा रहा जिस तरीके इत्थे भी तुसी खड़ रहे हो डेली आ के इन्हां नूं टाइम दे रहे हो, उत्थे जे हुण गल की जावे वाढ़ी दी, वाढ़ी दे टाइम है कुछ किसान आ रहे ने जा रहे ने, बड़ी मुश्किल नाल मैनेज कर रहे सब कुछ, वो चीज़ नूं कीवें देख? हाँ जी वह मुश्किल तो तड़फते तो ही असी साढ़े वर्गियां गोडे घड़ीस के ही आउंदियां ने, वह बच्चों की औख नूं देख के उन्होंने लोगों के अखों से पट्टिया बनिया हुई ने, जेड़े वो साढ़े इन्ह बच्चों दशकों नहीं देखते दे। ये सानू कोई सही फैसला क्यों नहीं देंगे, साढ़े हकों का वापस क्यों नहीं सानू वापस मिलती हैगी वापसी, ये साडा कहना यही साड़ी मंग आ, यही साड़ी पूरी होनी चाहिए है, बुढ़िया तो ला के छोटे बच्चों तो लैके असी सारे औख उ एक गल रोटी भुख की खातर कटते हैं जी। मैं हमेशा जो भी इतने आई हूँ मैं हमेशा तुम्हें इतने देखा, तुसी हमेशा इत्थे आ के अपना पूरा पूरा समर्थन दिंदे हो, पहले दिन तो जिहड़ा है पूरा पूरा खड़ रहे हो किसानां दे नाल जनता दे नाल जो कि अपने हक्कां दे लई सरकारां दे अगर गुहार लगा रहे। हाँ जी बिल्कुल जी, अपने हक्कां लई अज सानू 133 दिन हो गए ने जी इत्थे बैठिआं नू,
तो एक जिन्ना मर्जी लंबा कर लैन असी तो इतों हिलना नहीं है जी। असी अपना धरना जारी रखांगे जब तक सरकार काले कानून वापस नहीं ले लेंदी। असी उन्ना चिर बिल्कुल नहीं, असी आपदे काम छड्ड के सारा कुछ छड्ड के इत्थे धरना जरूर देवांगे। सानू कोई प्रॉब्लम नहीं, ना सानू कोई रोकदा, ना कोई घरों सानू रोक टोक है। इस करके असी जिमीदारां दी चढ़दी कला लई इत्थे आउंदे आंगे, बैठदे आंगे। साथों दिल्ली नहीं जाया जांदा, असी इत्थे बैठदे आंगे। दिल्ली जाने आंगे असी, दो दिन रह के मुड़े आउंदे आंगे। सो साडी तां इही है भी सरकार दे कन्नां च गल जल्दी पै जे। मोदी साहब ढीठ बणे होए ने, किसी दी गल सुन के राजी नहीं, पूरी डिक्टेटरशिप चलाई हुई है उन्होंने। सो कदों तक चलेगी? जब तक सानू तो जब तक इलेक्शन नहीं आदियाँ बैठना ही पैजे, बैठे रहेंगे, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। सो इस टाइम के जो हालात ने, बहुत टाइम तो किसान डटे ने, इतों शुरुआत की शांतमई तरीके उ बहुत सारे स्टेट से लोग आके जुड़े, उन्होंने नाल पूरा पूरा साथ दे रहे हैं। पर हुण इह चीज़ आ कि करोना वध रहा है, करोना के केस वध रहे ने, किसानों नूं उठ के वापस चले जाना चाहिए, करोना खत्म हो जाए तो दोबारा आ जाए। मैडम एक भी केस अज तक साढ़िया 300 तो उपर शहीदियाँ हो चुकिया ने किसानों दी, एक भी केस कोई पॉजिटिव आया हो असी सानू दसण भी हाँ पॉजिटिव आ गया। ये रब की मेहर है, गुरु की मेहर है साढ़े ते, साढ़े किसान वीरां ते, कि किसी नूं करोना नहीं होया, करोना नाल नहीं कोई मरिया, जो जो है शहीद होए ने, नैचुरल डैथा हुई ने। सो उन्हां नूं असी ये नहीं कह सकते कि उन्हां नूं करोना नाल डैथ हुई है, बिल्कुल करोना नहीं हैगा। ये सरकार ने एक स्टंटबाजी की हुई है, पंजाब 5 बजे तो कोई इस करके इन्होंने लागू किया है ता कि पंजाब दे विच जगह जगह साढ़े वगू इस तरह ही शांतमई ढंग नाल चल रहे ने मुजहरे। इस करके इन्होंने 5 बजे जान के लॉकडाउन 5 बजे का करता ता कि लोग बैठ सड़कों पर ना उतर सकन। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ? ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਕੁਛ ਦੇਸ਼ 'ਚ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੌਬ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੋਰ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਕਰਤਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਂਟੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਐਂਟੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਲੈਗ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖੜਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੌਂਤਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ 133 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਜਿਹੜਿਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਰੇਕ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਲਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜੂਨੀ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਥਿਰਕਦੇ ਸੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਆ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਆ ਉਹ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਜਾਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਏ, ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠ ਪਾਏ, ਆਹ ਦੂਜੀ ਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰੀ 2 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ
बंद करके रखता तो छोटी भैन हो तुम मेरे मैं तुम्हें दसदा शराब के ठेके खुले हुए आ उत्थे करोना नहीं जाता है उत्थे कोई यह जी गल नहीं हैगी क्यों सानू ही बार बार परेशान किया जाता है। स्कूल कॉलेज बंद ने क्या जाता उसे बच्चे पॉजिटिव हो जाएंगे करोना वायरस फैल जाएगा की समझ उसे कि शराब के ठेक तो करोना नहीं जाता स्कूल बंद किए ने शराब के ठेके खुले हुए हैं इस चीज़ को किवें देख रहे हो। देखो जी साडे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे वो अपना अधिकार समझ जाएंगे जे वो अपना अधिकार समझणगे तो असीं नौकरियां मंगांगे गवर्नमेंट नूं नौकरियां देनी पैणगियां। इह बड़ा सौखा जिहा काम है कि इन्हां नूं घरां दे विच ही रब दिओ घरां दे विच ही ओह जी ऑनलाइन क्लास है तुहाडी ना तां चंगी तरह बच्चे पढ़दे आ ना पेपर दे पाउंदे आ स्कूल बंद कीते आ तां महा मतलब जिहनूं मैं कह दवां कि घटिया सोच कह सकदे आ माड़ी सोच कह सकदे आ बच्चों का शरीरक भी रुक गया विकास ना तो वह चंगी तरह खेल सकते ना उन्होंने विद्या मिल रही है ना वो बाहर आ सकते तो ठेकों के उत्ते क्यों फिर इन्ना रश है। और तुम देखो गुरुद्वारों के लंगर बन बन के इन्हें घर गया सी पिछले लॉकडाउन के भी हूँ भी जा रहा अज फिर इस सरकार के मूँह तो चपेड़ भी देखो दिल्ली के गाजियापुर जाके देख लो उत्थे इन्होंने ऑक्सीजन के लंगर लाते जिन्हों ये अतवादी कहेंदे आ। मैं एक गल का सवाल फिर थोड़े तो दूसरी बार साढ़े को आए हो अज तुहाडा वेलकम है एक गल पुछनी चाहना भी जे ये अतवादी आ तो अतवादी बचाते होंगे मुल्क उजाड़े होंगे आता कदे लंगर लेके जाते अज तक दिल्ली के एक बैंक डकैती नहीं हुई कोई लुटमार नहीं हुई किसी धी भैन की कोई इज्जत आबरू दिन देखा गया प्लस हुण तुहाडे चैनल राही तुसीं असीं देखदे आं कि किवें उत्थे लोग जिन्हों कोई सहारा नहीं दिंदा वो उत्थे आउंदा आ ऑक्सीजन ये लोग दे रहे आ। प्रधानमंत्री जी ये लोग बैरी नहीं है दुश्मन नहीं है यह लोकतंत्र की भी जड़ा तो इस भारत की भी जड़ ने जड़ ना पुटो दरख्तों छांगते रहो वो फिर फुट पैने तुम तो जड़ में हत्थ पा लिया ह जी हठी आ छड़ दौ जी किसानों की मंग आ वह मान लो कोई ये वो नहीं है भी नीवा होने वाली गल आ कोई गल नहीं नीवा होना अपने मुल्क लिए होना उन्होंने लोगों होना जिन्होंने 303 की बहुमत दी आ जे 303 की बहुमत लोग दे सकते तो लोग बहुत कुछ साइड पर भी कर सकते हैं जी। मोदी सरकार बहुत सारी चीज़ आईया सी कहते अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन दिखे तो मिल रहे अच्छे दिन मेरा ख्याल बुरे दिन भी गए आए अच्छे तो किस पास देखने से जोड़े पहला दिन है साढ़े ना जुमलेबाजी बड़ी की गई कि धारा 370 हटाती कश्मीरियों पता नहीं लग्या समझ नहीं आई उन्होंने नोटबंदी करती तो ये लोगों को पता नहीं लग सकया राम मंदिर का निर्माण वो लोगों को पता लग गया क्योंकि उधरों फंड आना आ। सो गल ये भी जिहड़ी चीज़ां दा सानू नहीं पता लगता असी पता लाउणा ही नहीं साढ़े प्रधानमंत्री जी मैं सत्कार वाले शब्द बोलदा हुंदा भी तुसीं कृपा करके फिर तुसीं उह समझ लो तुसीं इह चीज़ां नूं ना करो जिहड़े साढ़े पुराने दिन सी उही बहाल रखो असी उहदे विच खुश हाँ पूरे संतुष्ट हाँ जिस देश का राजा अपनी परजा नूं देख के खुश नहीं हुंदा उह देश का की हाल होगा। ये हमेशा नहीं रहणगियां इमीग्रेशन एक दिन ये भी बंद हो जाणियां फिर असीं बच्चों का की करांगे फ्यूचर कीवें देख रहे हो अपने बच्चों का हुण देश दे विच। मैं एक गल इस दे सवाल उल्ट जवाब देना आ भी ये तो कहिंदे आ बेटी बचाओ तो बेटी पढ़ाओ हुण तक साडे कोल एक ऑप्शन सी भी असीं बेटी नूं पढ़ा के किते ना किते विदेश सैट कर दिंदे सी जां किते ना किते कोई माड़ी मोटी नौकरी मिलदी सैट हो जांदे सी हुण मैनूं दस्सो अगे करांगे की बेटियां लोगों के घर च मैं इस गल का गलत ना लैके जाए उस पासे नूं मेरे भी बेटी आ मेरिया तीन भैन आ पर जिहड़ा तुसीं मिशन दे रहे हो काम वो तो उल्ट चल रहे हो तुसीं कानून पैदा कर रहे हो लव जहाद ये जहाद वो जहाद जिन्हां चीज़ों की सानू लोड़ ही नहीं हैगी लोकतंत्रक तरीका आ लोकतंत्रक तरीके थोनू चुन के भेजिया और उस तरीके रोसमई इत्थे खड़े हाँ आ हथियार ने ये दिखा दिओ जी आ हथियार आ साडे कोल इहदे नाल शांतमई असीं मंगा कर रहे हैं साडियां मंगा नूं मन लो देश का भविख ना खराब करो भविख बच्चे फ्यूचर सब कुछ ही खत्म होता जा रहा है। हाँ जी की नाम अमनदीप कौर कैसे देखते हो तुम डेली आते हो डेली प्रोटेस्ट पूरा पूरा साथ दे रहे हो किवें देख रहे हो अंदोलन सरकार अजे भी टस तो मस नहीं हुई नहीं जे सरकार टस तो मस नहीं होंगे असं भी अड़े खड़े हाँ जिनी देर कानून रद्द नहीं होंगे असं इस तरह ही अड़ के खड़ा इन्होंने लॉकडाउन लाने की कोशिश करी असी एक दिन 17 सैक्टर धरना ला के वह लॉकडाउन हटाया अगे देखते हैं साढ़े वालों असी कोशिश करेंगे लॉकडाउन लगन नहीं देवे तो असी उरे इस तरह डटे खड़े रहा करोना है लगता है नहीं जी करोना है नहीं करोना सरकार ने बनाया हुआ जेड़ा भी कोई होर बीमारी नाल भी मरदा उसनू करोने का नाम दिता जाता ये सारा एक इन्हों का रैकेट चल रहा
ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੜਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ 6 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਖੜਦੇ ਹੋ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਓਗੇ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵਾਢੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਕਣਕਾਂ ਨੇ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਰੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਣਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਲਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਆਏ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਜੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾਲ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਫੈਮਿਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਉਸਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਆ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਆਏ, ਹਿਟਲਰ ਵਰਗੇ ਆਏ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਝੂਠ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿੱਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹੋਊ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਇਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਮੋਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਤੋਮਰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਉੱਥੇ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦ ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ ਕਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਆ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੱਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਡਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਡਕੈਤ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬੋਲੀ ਗੂੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆਪੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੜੀ, ਵਿਕਾਸ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ
जो है गलत रास्ते चल रही हैं, इन्हों सोचना पेगा हूँ हौले हौले उन्हों का रवैया खत्म हो जाएगा। सो किवें देख रहे हो आने वाले टाइम नूं देश दे विच महंगाई की गल की जाए या फिर आने वाले फ्यूचर की गल की जाए, किवें सब चीज़ों देख रहे हो? देखो महंगाई तो पहला होर भी सरकार आई कांग्रेस आई जो महंगाई हुई लोगों ने विरोध किया, पर हूँ इन्होंने लक तोड़वी महंगाई करती लोगों के, चाहे मजदूर है छोटा वर्ग है बड़े सारियां इसकी मार पवेगी। तो हूँ फिर लॉकडाउन लाने के समय चंडीगढ़ में लाने के संबंध में ये कर रहे हैं गल्लां बातां, पर इन्हें सोचना पेगा कि लॉकडाउन नाल ये मसला हल नहीं होने। ये तो तुसी होर प्रोग्राम ना किसी को पुछते हैं ना किसी को गिणते हैं, अपने आप उत्थे दाखिल करके लोगों कईयों तो बेचारे दुख तकलीफ बहुत सहनिया पै रही उत्थे, उन्होंने ना ऑक्सीजन मिल रही है ना कोई होर प्रोग्राम, कोई भी सुधार नहीं हो रहा। जो BJP सरकार है निकम्मी सरकार बोली सरकार, इसनों समझना पेगा अगे तो अगे, क्योंकि जब वोटों के इन्हों वोटों से हारना पेगा फिर इन्हों समझ आएगी। हाले लगता इस बार इलेक्शन के जोड़े लोगों के वालों कुछ स्ट्रोंोंग देखने मिलेगा, इस बार लोग सोच समझ के वोटा पागे? हाँ हूँ देखो UP भी पंचायतों के इलेक्शन हो रहे, उत्थे भी इन्हों पता लगेगा, क्योंकि हूँ उत्थे भी इन्हों पता लगेगा सरकार पंचायत सारिया पिंड पंचायत उन्होंने पता, पिंड खास करके ज्यादा पता, शहर वाले पता लगन लग गया हौले हौले, क्योंकि अपना देश जो है इन्होंने महामारी के गलीन कर दिता, पर इन्हों सोचना पै रहा हूँ जब वोटा पै रही हूँ UP भी उस भी इन्होंने हार मिलेगी सानू पक्का पता। हूँ ये चीज़ आ रही है जिस तरीके डेली चंडीगढ़ खड़ रहे हो आके कल शाम तो चंडीगढ़ लॉकडाउन लग रहा 6 बजे तो उस चीज़ देख रहे हो? नहीं जे अगले लॉकडाउन होएगा नहीं आने पुलिस रुकेगी फिर असं नहीं आ पाओगे है ना, जबरदस्ती थोड़ी करांगे आप, हाँ जे नहीं लगेगा तो आप जरूर आवेंगे, जे पुलिस सानूं नहीं रोकती फिर आप जरूर आवेंगे, जे रोकणगे फिर अपन ने जबरदस्ती नहीं करांगे। जिस तरीके दे नाल कदी नाइट कर्फ्यू दी खबर आ रही ने कदी लॉकडाउन दी खबर आ रही ने उस चीज़ नूं किवें देख रहे हो? वैसे लॉकडाउन लगना नहीं चाहिए ये लॉकडाउन, जद वो अपनी वोटा लंदा जल लॉकडाउन नहीं होया, हूँ वोदिया वोटा पै गई हूँ तो उन्हें अंदर बंद करना ही है, लॉकडाउन वैसे लगना नहीं चाहिए। सो पहला खबर से जिस तरीके आ रही चंडीगढ़ च लॉकडाउन लगन दियाँ, उस तो बाद प्रोटेस्ट किया गया लोगों के वालों वो कैंसल हो गया, दोबारा हूँ आ रहा कि चंडीगढ़ च लॉकडाउन लगेगा? नहीं लगना नहीं चाहिए लॉकडाउन, असी तो करांगे फिर भी करांगे, लॉकडाउन लगना नहीं चाहिए। सो किवें देख रहे हो हुण इस टाइम तो पूरे अंदोलन, इन्ने टाइम तो लंबे टाइम तो इत्थे किसान डटे हुए ने उत्थे भी डटे ने अजे भी कोई हल नहीं होया, तुसीं भी डेली आ रहे हो लंबे टाइम तो पूरा साथ दे रहे हो? असी तो पूरा साथ दे, गुंडियां दी सरकार है ना, हजे हौली हौली लौट आऊगी, काबू हौली हौली आऊगी ना, एकदम नहीं आउंदी। ए लॉकडाउन लाउण पर बीमारी पर ना ए किसानां दा करके हल ठाल देवे बाद च ला देवे लॉकडाउन, कर भी सकदा है एक चीज़ा, ये कहें कि किसान उठ के चले जाना कोरोना फैल रहा वा फिर आ जाना, हाँ क्यों कहते फिर आज में कानून लद कर दे, असी जिकना कानून लद कर दे, किसानों की शर्त मंग लवे मन लवे है फिर उस बाद लॉकडाउन ला दे है, ये तो ऐ कहता भी ऊ भी कानून थोप के भी इन्हों मार देव, लॉकडाउन भी लॉकडाउन करके भी मार देव, महंगाई का अंत नहीं, इन्ना इन्हें महंगाई करके छड़ती, ये चारे पासे नू मार रही है सरकार, गुंडिया की है बदमाशा की सरकार है। हुण इलेक्शन होण गया की लगता किवें दा रवैया रहेगा लोगों का इस बार इलेक्शन दे विच? इलेक्शन असी तो इन्हों कुछ नहीं वोट पाए नहीं रहे, साढ़े कनी तो इन्हें फट्टी पूरी पहुँचती, असी उत्थे हूँ देखो बंगाल च जे भाई साढ़े ना और रल जमे ना फिर ये गिर जाए ना फिर ये लौट आ जाऊगा। किवें देख रहे हो आने वाले टाइम अंदोलन होर तिखा हो रहा दिन प्रतिदिन डे बाय डे होर नवी नवी चीज़ा आ रही ने उस चीज़ को किवें देख रहे हो? हाँ जी तिखा तो होएगा ही, तो सानू बहुत ज़्यादा ये संघर्ष भी करना पेगा, तो बहुत आप सारे ही किसानों का साथ देवे जिमें सानू संयुक्त मोर्चे का हुक्म होएगा उदा असं उन्होंने चलेंगे। लगता है इस टाइम तो हर बंदे अपनी गल रखने लिए प्रोटेस्ट क्यों करना पै रहा, सड़कों पर क्यों आना पै रहा इंडिया के? ये गुंडिया की सरकार है बदमाशा की सरकार है बनाती असी आना पैंता है, जे समझदार तो है नहीं, वो डंगर है, वह डंगर है, वह परिवार बारे ना का पता है उन्होंने,
छड़िया की सरकार है, वह डंगर है डंगर, वो बिल्कुल डंगर ता आना पे आ। जे वह जनता अपनी बना के रखता, जनता की गल सुनता, तो सानू सड़क पर आना नहीं था पैना। हाँ जेकर हुण गल की जाए तो नाइट कर्फ्यू लैके चाहे लॉकडाउन लैके इन्होंने भी अपना टाइम बदल लिया। इन्हों वालों भी इतने अनाउंसमेंट्स की जा रही ने कि हूँ की टाइमिंग्स होने, किस टाइमिंग्स जोड़े लोग ने वो शाम को इतने आएंगे। अंदोलन लंबे चलते हैं तो उस तरीके ये भी अंदोलन चल दो, एक लंबा समा हो गया पर सरकार का रवैया नहीं बदल रहा। सरकार के वालों किसान के पक्ष के अजे तक कुछ भी नहीं आया, जिस करके इन्होंने लोगों को साफ लग रहा है कि यह अंदोलन होर लंबा चलेगा तो ये लोग डटे रहेंगे। इतने इस तरीके जिते दिल्ली लोग खड़े ने, ये लोग इतने मोहाली चंडीगढ़ सड़कों पर खड़े रहेंगे, किसानों पूरा पूरा साथ देंगे। कैमरामैन गोल्डी के नाल खुशी सरा चंडीगढ़।